नमस्कार अभिनंदन बंदन साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में। जी हां दोस्तों, आप ये सुन रहे होंगे रियल आयुर्वेद, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सोच रहे भाई, मैं तो आयुर्वेद का नाम सुना था लेकिन आज मैं रियल आयुर्वेद का नाम सुन रहा हूँ। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वर्षों बहुत दिनों का एक्सपीरियंस के साथ मैं बात को रख रहा हूँ। मैंने बहुत प्रयोग किया, औषधीय प्रयोग किया और बहुत ऐसे कंपनियां हैं जो मेडिसिन बनाती हैं उस पर भी मैंने काम किया। कहीं कहीं रिजल्ट मिलती थी और कहीं कहीं रिजल्ट नहीं मिलती थी। अच्छा डायग्नोस होने के बाद भी, कंफर्म होने के बाद भी कि इनको ये बीमारी है, रिपोर्ट्स भी देखने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते थे तो असंतुष्टि होती थी कि यार आयुर्वेद पता काम नहीं करती है, लगता है स्लो काम करती है। ऐसे तमाम चीज़ खुद ब खुद एक असमंजस बना रहता था अक्सर, और ये सोचता था इसलिए लोग एलोपैथ की तरफ भागते हैं क्योंकि आयुर्वेद काम नहीं कर रही है, बड़ा स्लो काम करती है। लेकिन ये मेरा जो सोच था, शुरुआती सोच था, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत साबित हुआ। इतना गलत साबित हुआ कि मैं खुद सोच करके दंग रह गया कि भारत में बहुत सारे बिरले पैदे हुए, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, आयुर्वेद पे बहुत लोग काम किए, लेकिन जो काम होना चाहिए आयुर्वेद में वो हुआ ही नहीं अभी तक। सच मानिए कि आयुर्वेद का जो भी अपना ओरिजिनली काम है वो नहीं हुआ। मैं देखता हूँ कि लाखों औषधीय पौधा दिखाई दे रहा होगा आपको, आप एक बार देख सकते हैं, बहुत सारे पौधे हैं, आप देख सकते हैं, बन तुलसी है, इसके बाद बरगद है, पीपल है, जामुन, तमाम चीज़, खजूर के पौधे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पौधे आपको दिख रहे होंगे, ये सोना पाठा है, तमाम ऐसे पौधियाँ औषधीय पौधा दिखाई दे रहा था। मैं आज इस पौधे को परिचित कराने नहीं आया हूँ लेकिन ये दिखा रहा हूँ कि कितने पौधे आप देख सकते हैं, कितने प्रजाति के पौधे दिखाई देंगे, बहुत सारा पौधे हैं आप देख सकते हैं। क्या भगवान ने इस पौधे को इसलिए भेजा इस पे कि इसका यूज ना हो? और सबसे बड़ी बात है, सबसे दुख की बात होती है कि हमारे भारतवर्ष में इतने औषधीय पौधा होने के बावजूद भी हम मेडिकल की दवाइयाँ खा खा के थक गए हैं और ठीक भी नहीं हो रहे हैं। बीमारी अगर ठीक हुआ होता तो चला चलो ये सोचा जाता कि कहीं ना कहीं हम अच्छे वे पे हैं, एक अच्छे रास्ते पे हैं। लेकिन दुख तो तब होती है जब लोगों का लाखों लाख रुपया भी खर्च होता है और जीवन भी नहीं बचती है, जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारत में औषधीय जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं गलत रूप से हो रही है। तो आज इस पर ही हम फोकस करना चाहेंगे कि रियल आयुर्वेद क्या है, एक डिफिनीसन देना चाहेंगे रियल आयुर्वेद का। दोस्तों वर्षों से प्रयोग करने के बाद बहुत सारे मैंने हर्ब्स का प्रयोग किया, यानी बहुत ऐसे कंपनियां जो मेडिसिन बनाती हर्ब के नाम पे, उन औषधियों का प्रयोग किया लेकिन हमें असंतुष्टि हाथ लगा। मैं संतुष्ट सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हुआ कि वो बहुत अच्छे औषधि नहीं बना पा रहे हैं, हम इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हुए कि प्रत्येक आदमी का अपना अपना तासीर होता है। आप कितना भी बेहतरीन मेडिसिन क्यों ना बना दे, सब मेडिसिन सब पे सूट नहीं करती है, इसलिए रिजल्ट सही नहीं आते हैं। तो आज हमें अपने आयुर्वेद को साइंटिफिक, जो इसका परिभाषा बताया गया है, इसके परिभाषा को हम पढ़ते हैं लेकिन बस केवल पढ़ते हैं। कोई आते हैं बताते हैं बस ये तीक्ष्ण गुण होती है, इसमें लघु गुण होता है, ये उष्ण वीर का उष्ण होता है, वीर का शुक्त होता है, विपाक इसका कटु होता है, विपाक इसका तिक्त होता है। हम ये तो पढ़ते हैं लेकिन यूज नहीं हो रही है। जब तक चीज़ें यूज नहीं होगा, एप्लीकेशंस नहीं होंगे उसके सही तरीका से, तो आयुर्वेद का डिफिनीशन सही से खुल के आएगा नहीं। आयुर्वेद तो बंधा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद इतना सिमटी हुई चीज़ है ना कि अगर देखा जाता है, इसके ब्रॉड चीज़ों को देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद पर काम हुआ ही नहीं। मैं तो ये साफ तौर पे, पूरी गारंटी के तौर पे बोलना चाहूँगा कि आयुर्वेद पे जो काम होनी चाहिए ना, आयुर्वेद पे वो काम हुआ नहीं। आजकल लोग जब काम नहीं कर पाए आयुर्वेद पे, आयुर्वेद क्योंकि भाष पड़ती थी पहले तो पूरी संस्कृत में थी, अब तो हिंदी रूपांतरण हो गया है तो हम और लोगों को पढ़ना आसान भी हो गया है,
फिर भी इसके गुण को नहीं समझ पाते हैं। हम केवल बीमारियों को देखते, भाई खांसी है तो ये दे दो, दमा है तो ये दे दो, कैंसर है तो ये दे दो, जख्म हुआ है तो ये दे दो, पेट में अल्सर है तो ये दे दो, यूट्रस में प्रॉब्लम है महिलाओं को तो ये दे दो, हैवी ब्लीडिंग होता तो ये दे दो। हम इस पे बिहेव पे काम कर रहे हैं, कहीं अच्छा नहीं लगता है। मैं देखता हूँ बड़े बड़े जो आयुर्वेद को जागरण करने वाले हैं भारत में, प्रतिद्वंद करते हैं उसको कि भाई ये आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो भी बात पित्त कफ की जब बात आती है, इसकी जो तीन एनर्जी की बात आती है उस पर बात होती नहीं है। बस होती है कि कोई दिक्कत है गिलोई खा लो, कोई लोग बोलते हैं भाई ये दिक्कत है एलोवेरा पी लो, तमाम इस तरह से ही काम कर रहे हैं। तो वो आप सिमट करके रह जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे आपकी सिस्टम नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमें हाई लेवल का एजुकेशन लेने की ज़रूरत है, हमें बढ़ करके सोचने की ज़रूरत है। बनी बनाई चीज़ें, किताबों में लिखी हुई चीज़ को रट्टू करके हम अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद को सीमित कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि औषधीय प्रयोग में इस पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद से बढ़ करके सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य चीज़, शक्तिशाली चीज़ दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो लोग बोलेंगे कि भाई आयुर्वेद सब जगह नहीं काम करती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का सर्च नहीं हुआ, आयुर्वेद पे इतना काम नहीं हुआ। अगर कोई भी व्यक्ति आकर के बोलता है कि मैं आयुर्वेद का बहुत ज्ञाता हूँ तो वो झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोलता है? क्योंकि आयुर्वेद में इतनी वनस्पतियाँ इतनी पड़ी है कि लोग पहचानते तक नहीं है। बहुत सारे औषधीय प्रयोग, लाखों लाख औषधीय प्रयोग है, लेकिन आज हो क्या रहा है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे कि कलर है, 7 तरह के कलर आप देखते हैं भाई, काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी। इन कलर को जब हम कंबाइंड किए, एक दूसरे से मिलाते हैं तो देखते हैं कितने कलर उत्पन्न होता है, असंख्य हो जाता है। आप गिनती नहीं कर सकते कलर का, तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारे भारत में इतने औषधीय पौधा हैं, अगर इसको एक दूसरे से सही अनुपात में अगर मिक्स कर किया जाए और अच्छे अच्छे फार्मूलाज बनाए जाए और उसको अकॉर्डिंग टू बॉडी अगर दिया जाए तो क्या मजाल है कि बीमारी ठीक नहीं होती। हमें तो नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा बीमारी भी है जो इन औषधीय पौधा से ठीक नहीं हो सकता है। हमारे पुराने वाले जो भी है, मैंने कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जो भी चीज़ हमें बताया हमने उसको पढ़ा, लेकिन हमने उस पर काम किया ही नहीं। जैसे टेक्नोलॉजी और तमाम चीज़ें बढ़ गई, पहले मोबाइल नहीं था, लोगों को सोचते थे बात नहीं हो, तो आज कितना बढ़ गया है। तो आज हम नहीं काम किए, हमारे जो इस पीढ़ी में हम लोग चल रहे हैं युवा वर्ग, कुछ काम हुआ ही नहीं। अगर आयुर्वेद को युवा वर्ग सही से काम किए होते, जितना काम दूसरे पद्धति पे जैसे एलोपैथ पे काम हुआ, रिसर्च हुआ, वर्ल्ड के सारे लोग कर रहे हैं, उस तरह से अगर औषधीय प्रयोग अगर हम किए होते, उन पे अगर हम गहनता के साथ पढ़े होते, बात पे कब देख करके किए होते, तो आज आयुर्वेद हमारा इस तरह से नहीं देखता। बीमारियां अगर हो जाती है तो आपके पैरों तली जमीन खिसकने लगती है, ऐसा होता है कि अब क्या होगा, अब हम बचेंगे नहीं, ऐसा होता है फील कि हमारे लाखों लाख रुपए चले जाएंगे, मेरे घर बिक जाएंगे, मेरे ज़मीन बिक जाएंगे, लेकिन हेल्थ का कोई गारंटी तक नहीं होते। बड़े बड़े आप अस्पताल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर से आपको नज़र पड़ती है, वहाँ पे भेंट होती है, मुलाकात होती है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम ठीक भी होंगे। करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी तो कहीं ना कहीं आज हमें सोचने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने रियल आयुर्वेद पर काम किया। अभी मैं लगातार ऑनलाइन सिस्टम 2 साल से कर रहा हूँ, रियल आयुर्वेद को ऑनलाइन कर रहा हूँ। पहले मैं अपना बेसिक जो काम होता था, मैनुअली काम था, वो मैं करता था, लोगों के पास जाता था, लोगों को बुलाता था, समझाता था। कुछ लोग दवाई नहीं लेना चाहते तो लेते थे कि यार मेरा ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, मौखिक प्रचार हुआ। और आज मौखिक के द्वारा बहुत लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बड़ा खुशी मिलता है कि बोलते हैं कि सर मेरी जीवन बच गई, सर मेरा पैसा बच गया, आपने मुझे 12 बजे रात को बचा दिया। ये तमाम चीज़ें, मैं नहीं बचाने वाला, मैं कौन होता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक दायित्व निभा रहा हूँ, एक दायित्व निभाना चाहिए कि रियल में हमारा जो संस्कृति है क्या इतना कमज़ोर है, क्या मेरा धरोहर इतना कमज़ोर है। हमारे रोई अभी देखिए खड़ा हो रहा है, इसलिए खड़ा हो रहा है कि जब कोई भी पेशेंट खाता है दवाई, बोलता है कि सर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम में गलती है, आयुर्वेद में गलती नहीं, ये सब अपने आप में गुणता भरा हुआ है।
हमने कहीं इसको हाइब्रिड बना दिया, कहीं इसको तोड़ मरोड़ के हम साबित कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं इसके प्रत्यक्ष गुण को प्रमाणित करना होगा सही से, क्योंकि ये परिणाम बहुत अच्छा देता है, बहुत अच्छा देता है। इसलिए मैं रियल आयुर्वेद पे काम कर रहा हूँ। रियल आयुर्वेद पे काम करते हुए ऑनलाइन जो मेरा 2 साल हुआ है, इसमें इतनी सक्सेस स्टोरी आए हैं, इतने लोग ठीक होते हैं, बड़ा फास्ट काम करता है। हम भी सोचते थे क्या रियल आयुर्वेद आयुर्वेद हमेशा स्लो काम करती है, लेकिन मुझे पता चल गया कि कहीं कहीं तो इतना फास्ट करती है कि लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमने मेहनत किया और आज हमारे साथ 300 एजुकेटर हैं जो प्रॉपर वे में चीज़ों को पढ़ रहे हैं। बात पित्त कफ धातु, बात पित्त कफ स्रोतस, कहाँ अवरुद्ध हो गया, कहाँ पे तीक्ष्ण गुण बढ़ गया, कहाँ पे उष्ण गुण बढ़ गया, कहाँ पे विपाक इसका कटु विपाक है, ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। मल की प्रकृति क्या है, मूत्र कैसे आ रही है, कौन सी औषधि प्रयोग होगा, हमें उसको किस रूप में देना है, बहुत ऐसे चीज़ है। जैसे अभी यहाँ पे बंद तुलसी की बात कर रहे हैं, अब ये बंद तुलसी है, अब ये तुलसी कितना यूज हो सकता है आपके लाइफ में, आप सोच नहीं सकते, आप दंग रह जाएंगे। ऐसे ऐसे बीमारी को ख़त्म कर देता। आप देखिए कितनी पौधे हैं, बताइए, ये फ्री में अवेलेबल है, फ्री में हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम कभी मेहनत करना नहीं चाहते हैं, हम चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। तो नहीं समझने के लिए तैयार हैं तो आप ठीक भी नहीं होंगे, आप बीमार के पड़े ही रहेंगे। आप सोच लेते हैं कि हम बड़े बड़े डॉक्टर तक इलाज करा करके ठीक हो जाएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी बीमारी को दवाई जा रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर रियली में आपको ठीक होना है तो आपको अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने जो महत्वपूर्ण आयुर्वेद की पद्धतियाँ हैं, जो इनके चीज़ बताई गई है, लाइफस्टाइल जो बताया गया है आयुर्वेद में कि हमें कैसे रहना चाहिए, तो रियल आयुर्वेद इस बिहेव पे ही काम कर रही है। आज लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और लोगों को इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है कि हम कह नहीं सकते हैं। रियल आयुर्वेद की बात करें तो आज ये संपूर्ण भारत में रियल आयुर्वेद है। हम अपना अगर खुद का डॉक्टर बन जाते हैं, खुद का अगर बात पित्त कफ को समझना चालू कर देते हैं, तो किचन से या बाहरी जो छोटे मोटे पौधे हैं दिखाई देते हैं, फ्री में अवेलेबल है, उनका यूज करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं और लोगों को भी ठीक कर सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपया हम बचा सकते हैं। इसलिए मैं रियल आयुर्वेद को लेकर आया हूँ। रियल आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जहाँ पे हम अपने खुद का अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। अच्छा डॉक्टर के मतलब है कि हम बीमारी को होने नहीं दे सकते हैं, अगर हो गया तो उसको ठीक कर सकते हैं और गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी एक अच्छा रिजल्ट हम दे सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आइए हमारे साथ रियल आयुर्वेद को सीखिए। रियल आयुर्वेद को अगर सीखेंगे तो रियली में आपकी जीवन धन्य हो जाएगी। आप ज़रूर गॉड को थैंक्स बोलेंगे कि मैंने रियल आयुर्वेद सीखा, बहुत अच्छा काम किया। सो थैंक यू।